रण भी है, रणनीति भी है और राजनीति भी है। ये 10 तारीख से पहले का सियासी घमासान है जहां बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त अपने घर की दीवारों को मजबूत करने में जुट गई है। पूछता है उत्तराखंड की आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी दोनों इतने बेचैन क्यों हैं? आखिरकार क्या वजह है कि 10 तारीख जब दावा यह किया जा रहा है कि उनकी सरकार आ रही है, मतलब कि कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि नंबर गेम में हम बहुत आगे होंगे, कोई सोच नहीं सकता चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और ऐसे में ठीक 10 तारीख से पहले दोनों ही दल इस कश्मकश में हैं कि क्यों ना प्लान ए के बाद बी भी बना लिया जाए और सी भी बना लिया जाए। प्लान ए, बी और सी, पहले बीजेपी ने छत के नीचे बैठकर तमाम दिग्गजों ने रणनीति का ताना बाना बुना और अब कांग्रेस के नेताओं ने भी एक छत के नीचे बैठकर प्लान बी तैयार किया। खबरें यह हैं कि कांग्रेस अपने जीते हुए विधायकों को तुरंत राजस्थान शिफ्ट कर सकती है ताकि बीजेपी को कोई भी मौका ना मिले। खबरें इस बात की भी हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता देहरादून में कैंप लगा रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस बेचैन है, क्योंकि 2016 में जो घटना घटी उसका मुख्य किरदार कांग्रेस उन्हें ही मानती है। अब उनकी मौजूदगी उत्तराखंड में नया सियासी संग्राम छेड़े हुए। कौन है वो, क्यों परेशान है कांग्रेस, क्यों बेचैन है बीजेपी, आज इसी पर करेंगे चर्चा और पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार जब 60 पार तो फिर बेचैन क्यों भाजपा, और जब कांग्रेस बना रही है सरकार तो फिर हाथ से क्यों फिसलती दिखाई दे रही है सत्ता, पूछेगा उत्तराखंड। आज होगी दिलचस्प चर्चा, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज होगा दिलचस्प पैनल, लेकिन पहले जरा यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी कवायद तेज कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने 10 मार्च के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। पार्टी के तमाम धुरंधर नेता एक साथ एक छत के नीचे बैठकर रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम दिग्गज 10 मार्च की जंग के लिए रणनीति को धार दे रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि एक चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। तभी तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने घर की दीवारों को मजबूत करने में जुटी है। परसों 10 तारीख को होने वाली मतगणना के पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर आना और आपस में हम लोगों का सब चर्चा करना, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये खास करके जो पोस्टल वोटर हैं, पोस्टल वोट आए हैं, उनसे संबंधित सभी चीज़ें सभी को समझनी है, उससे संबंधित है। और उसके बाद जैसे कि आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य यहाँ पर हमारे विपक्ष में पार्टी है, उनका 8-10 दिन पहले से ही ऐसे लोगों को उत्तराखंड भेजना जो पूर्व में भी सरकारों को अस्थिर करने का काम करते आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र अपने लोगों को सचेत रखना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ये कैसे हो, क्या हो, इस पर हम लोग अभी कुछ हम लोग थोड़ी देर पहले बैठे और अब कुछ और हम लोग एक सेशन और बैठेंगे और इसके बाद हम सभी लोगों को सभी जिलों में काम सौंपेंगे कि किनको किनको किस किस जिले में जाना है और क्या क्या उनकी ड्यूटी। बीजेपी मौके की ताक में बैठी है, इस बात का इल्म कांग्रेस को भी है और बीजेपी को भी। ऐसे में 10 की रणनीति को लेकर अब कांग्रेस के तमाम दिग्गज ताना बाना बुन रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने राय शुमारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद से ही कांग्रेस पोस्टल बैलेट को लेकर तमाम सवाल उठाती रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान वो पोस्टल बैलेट पर अपनी निगाहें बनाए रखें। हालांकि इस बीच जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम हैं वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 घंटे ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं।
वहीं बीजेपी पहले ही 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दे चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ धुरंधर प्लान बी पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा था, उस लक्ष्य पे सभी ने मेहनत की है, काम किया है, जनता का आशीर्वाद मिला है। वो आशीर्वाद ईवीएम में बंद है। अब 10 तारीख को जो भी निर्णय होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि हम अच्छे कंफर्ट जोन में ठीक प्रकार से सरकार बनाएंगे। साफ है रणनीति तैयार हो रही है, मगर किसकी रणनीति में कितना दम, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि रणनीति धरातल पर उतारना और रणनीति पर काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब देखते हैं कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, मगर इतना जरूर है कि 10 मार्च के नतीजों से पहले सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। अपने सहयोगी सुभाष गौड़ के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। तो देखा आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस तरह से अपने घर की दीवार को मजबूत करने में जुटे हैं। दरअसल इसके पीछे वो एग्जिट पोल के दावे भी हैं, जिसमें संकेत और संदेश ये भी छिपा है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना रहा है। कुछ का दावा यह है कि बीजेपी आ रही है, लेकिन उत्तराखंड का इतिहास इस बात का गवाह है कि दो दो विधायक भी सत्ता को हिलाने का मादा रखते हैं, यानी कि निर्दलीय विधायक। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ लखपत बड़ोला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, बीजेपी का चेहरा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्टी में जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ेंगे। तिलक भाई, कोई भी परेशान और निराश नहीं है, सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, और एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है अभी, वो तो 10 मार्च को ही आएंगे कि क्या स्थिति होती है। बिल्कुल सहमत, हमने धरातल पर काम किया है। नहीं, वो बात तो सही है, धरातल पर काम किया है, किसकी जमानत बचेगी, किसकी जब्त हो जाएगी, मैं उस पर 10 तारीख के बाद चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी रणनीति जो कांग्रेस बना रही है, ऐसी रणनीति जो बीजेपी बना रही है, आपके घर में कोई रणनीति नहीं दिखाई दे रही। मेरे सहयोगी बता रहे थे कि देहरादून का आपका कार्यालय बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पर, क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी वहां महिला दिवस का कार्यक्रम जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, वहां कोई सन्नाटा नहीं है। और रही बीजेपी कांग्रेस की बात, तो कहीं ना कहीं इस बार जो आंकड़े और सब बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है किसी की भी, तो जो एक उठा पटक कांग्रेस बीजेपी में मची हुई है। बीजेपी में देखिए इस बात का डर है कि वो पहले ही बहुत भीतरघात का आरोप लगातार लगाते आ रहे थे अपने ही लोगों पर। उन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष पर भी इल्जाम लगा दिया था कि भाई मदन कौशिक जी ने हराने का काम किया है कई सीटों पर, तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं डर है। और वही कांग्रेस में भी स्थिति है कि क्या होने वाला है, तो इसीलिए ये उठा पटक कहीं ना कहीं लगी हुई है, और जोड़ तोड़ के गुणा भाग लगाने में दोनों ही पार्टियां जुटी हैं। इसलिए लखपत जी, सुना आपने, संगीता मैडम कह रही हैं कि आप लोग इसलिए बेचैन है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सरकार किसी की नहीं आ रही। आप भी बेचैन है, वो भी बेचैन है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। तिलक जी देखिए, मैंने आपसे कहा है कि मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस की इस प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ 45 के साथ सीटें आएंगी। लखपत भाई की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं आ रही, आ रही मुझे, आ रही है। लखपत जी बोलिए, बोलिए अपनी बात। मैंने कहा कि हमने प्रदेश की जनता से बड़ा विनम्र प्रार्थना की थी कि आप इस प्रदेश में कांग्रेस को प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के स्वाभिमान के लिए पर आप बहुमत दीजिएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, जब राजनीतिक सकेत खुलेआम उत्तराखंड की वादियों में घूम रहे हों, जिन्होंने 18 मार्च 2016 को उत्तराखंड के जनमानस का और जनादेश का अपमान किया था और यहाँ की सरकार को तोड़फोड़ करने का काम किया था, तो ऐसे राजनीतिक डकैतों से सजग रहना जरूरी है। आप जानते हैं कि जब उत्तराखंड की जनता ने पहले तो ये कह रहे थे हम कार्ड के पार होंगे, लेकिन क्योंकि आज आप समझ सकते हैं कि जो पहले तो पश्चिम बंगाल में थे, फिर आजकल उत्तराखंड में घूम रहे हैं, तो जो राजनीतिक डकैत है, इन डकैतों से सजग रहने की जरूरत है। जब आप नहीं, आप जिन्हें राजनीतिक डकैत कह रहे हैं, मैं अभी जुड़ेंगे बीजेपी नेता तो मैं उनसे पूछ लूंगा ये राजनीतिक डकैत कौन से हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ,
कि इतनी बेचैनी क्यों, मेरे को सुनने में आया है, आप उसको दुरुस्त कर दीजिएगा, कि आप अपने विधायकों को जैसे ही जीतेंगे तुरंत राजस्थान ले जाने के चक्कर में हैं, क्यों? देखिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, मैंने आपसे दिलक जी बड़ी बात कही है कि किसी प्रकार की घबराहट नहीं है, लेकिन जब इस तरह के आपको पता होता है कि आपके घर के आसपास असामाजिक तत्व आ गए हैं, आप चोर चके लुटेरे आ गए, तो आप भी सजग रहते घर के, उसी तरह से ये उत्तराखंड। अच्छा, तो आपको ये डर है कि आपके विधायक बिकाऊ हैं? नहीं नहीं नहीं, बिकाऊ नहीं, जब सुन लीजिए, आपको पता है आपके घर बहुत सुरक्षित, लेकिन फिर भी आप बहुत सुरक्षा देखते ध्यान रखते, जब पता चलता कि घर के आसपास कुछ लोग घूम रहे हैं, इसी तरह से राजनीतिक डकैत के उत्तराखंड में घूम रहे, तो उनसे सजग रहने की जरूरत है। अच्छा, तो आपको ये डर है कि आपके घर में चोरी हो जाएगी, आप मुझे ये कह रहे हैं? मैं ये भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डकैतों से सजग रहना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुभाष एक बात बताइए, लखपत जी कह रहे हैं कि क्या उनकी चिंता वाजिब है, लखपत जी का डर वाजिब है, उनकी बेचैनी वाजिब है कि भाई एक शख्स आए जिन्हें वो कहते हैं कि ये राजनीतिक डकैत हैं। अभी उन्होंने कहा कि बीजेपी के वो शख्स जब जब आते हैं वो राजनीतिक डकैती डालते हैं, इसलिए हम लोग डरे हुए हैं। अब ये बीजेपी की तैयारी है, लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है जिसे मैं पहले भी उठा रहा था और आज भी मैं उसी सवाल पर कायम हूं। इन सब पूरे सियासी घटनाक्रम में मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या है, उत्तराखंड की सियासत को जिस नजरिए से हमने भी देखा और समझा है, रमेश पोखरियाल निशंक का एक्टिव होना इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, रमेश पोखरियाल निशंक का जिस तरीके से मतदान के बाद से ही एक्टिव होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ी चीज ये भी कि पिछले एक हफ्ते में कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि संगठन की तरफ से सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने मुलाकात की वो रमेश पोखरियाल निशंक थे, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, हालांकि ये कहा जा रहा था ये औपचारिक मुलाकात, और इस मुलाकात का कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, ये केवल चुनाव को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा सकता है राजधानी देहरादून के तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में यदि थोड़ा भी सीटों का इधर उधर हुआ तो शायद मुख्यमंत्री की दौड़ पर रमेश पोखरियाल निशंक भी आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन इंतजार 10 मार्च का कि 10 मार्च को किस तरीके का रिजल्ट आता है। रमेश पोखरियाल निशंक राजनीति के उत्तराखंड के चाणक्य, और बीजेपी ने कई नेताओं ने नाम दिया संकट मोचन, जब भाजपा फंसती थी तब कहते थे कि संकट मोचन निशंक निकालेंगे, और आज निशंक फिर एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन सीमा डोरा जी भी जुड़ गई है मेरे साथ, सीमा मैडम देर आए दुरुस्त आए, बहुत बेसब्री से इंतजार था आपका, संगीता जी को भी लखपत जी को भी। लखपत जी ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए मैं तो सुनकर दंग रह गया, मैंने कहा अभी रुकिए सीमा मैडम आएंगी, क्या पता वो जोड़ तोड़ में जुटे हैं सब। लेकिन एक बात मैं सीमा जी आपसे जानना चाह रहा था, ये लखपत जी की बेचैनी वाजिब है या फिर नहीं? देखिए इनको डर इतना ज्यादा लग रहा है। अच्छा है? और वो डर अब इनके सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये जब चुनाव के बाद तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे इनको, हम जीत रहे हैं, अब जो टाइम पास आ गया तो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं हम जीत तो नहीं रहे, तो ये अब अपना ठीकरा है ना जो डर का वो हमारे ऊपर थोप रहे कि ये आ गए वो आ गए, तो बाकी किसी के आने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, इन्होंने तो बकायदा पहरा दे रहे ना, ये तो वहां कौन आ गए, तो जो कुछ होगा ये किसकी बात कर रहे हैं आने की, कौन आ गया मैडम? अभी मैंने सर इतना ही सुना कि कोई दिल्ली से आ गया ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, दिल्ली से आने वाले डरते हैं, नाम नहीं मैंने सुना, दिल्ली से आने वाले को नहीं डरते, दिल्ली के आने वालों की बात ही नहीं कर रही, कौन आ गया जिससे डर रहे हैं? अच्छा पता नहीं मुझे, इनसे पूछिए। नहीं मैं, आप ही बता रहे थे कि कोई आ गया तो डर रहे हैं, मैंने कहा शायद आपको ही पता हो किससे डर रहे हैं। ना अभी आपकी आधी बात सुनी ना मैंने। अच्छा मैं पूछ लूं किससे डर रहे हैं, पता क्या कह रहे थे उनको, कह रहे राजनीतिक डकैत हैं, कह रहे अच्छा, राजनीतिक डकैत हैं वो, ऐसा बोल रहे थे लखपत जी अभी आपके आने से पहले, कह रहे थे कि हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि 2016 में इन्होंने डकैती की थी, राजनीतिक डकैती, इसलिए हम डर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा पूछ के बताइए सर, नाम क्या उनका, पूछ के बता दूं? मैंने तो इनको बोला कि 2016 वाले तो आपके साथ आ गए जिन्होंने तोड़ फोड़ की राजनीति की थी,
वो कह रहे हैं वो उसके पीछे तो असली किरदार कोई और थे, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा कोई आया हुआ है क्या मैडम? अच्छा, अचानक आप कोई और भी? नहीं नहीं इनसे पूछे ना, मुझे वैसे ज्यादा तो इनको पता। नहीं नहीं कोई आया हुआ है जिससे डर रहे हैं? आपको क्या लगता है कोई आया हुआ क्या स्पेशल, कोई बाहर से आया? नहीं 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 कोई नहीं आया हुआ, इनसे पूछ लीजिए तो बताती हूँ मैं इनसे। वो कह रहे बैठक में भी हमारे यहाँ तो आते ही रहते, हमारे यहाँ तो केंद्र से बहुत लोग आए रहते हैं। नहीं नहीं केंद्र से मतलब तो किसे डर लगा ये पता? वो कह रहे हैं एक्सपर्ट है इस मामले में, वो भी इनको पता होगा किस चीज में एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ तो राजनीति में सारे एक्सपर्ट है। नहीं राजनीति में नहीं, वो कह रहे एक्सपर्ट से डर। एक एक डिपार्टमेंट है आपके यहाँ तोड़फोड़ डिपार्टमेंट, वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है, वो भी इनको ज्यादा पता होगा। अब कुल मिलाकर मैं पूछ लेता हूँ मैडम उनसे, ये अब ये डरे कि रहने दे, 2016 कह रहे 2016 याद करो याद करो याद करो, मुझे बार बार याद दिला रहे लखपत जी, कह रहे ये इसलिए मैं हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि उस समय इनका सूपड़ा साफ हुआ था ना, तो इनको लग रहा है कि हम रिपीट ना हो जाए ये बात। मतलब फिर से खरीद फरोख्त हो सकती है सीमा मैडम? खरीद फरोख्त पहले भी नहीं हुई थी? पहले भी नहीं हुई थी? पहले भी अपनी मर्जी से आए थे जिन्होंने आए थे। अच्छा जिन्होंने आना था वो अपनी मर्जी से आए थे, कोई खरीदा नहीं गया था। अच्छा सिर्फ देखिए जब लगता है कि प्रगतिशील एक पार्टी है, यहाँ पर देश का और हमारा भविष्य दोनों उज्जवल है तो हर आदमी आता है। अच्छा घूमते हुए जहाज में कौन सवारी करना चाहता है? ऋषि मुनि तप करके भी जो कहते हैं कि इतना तप करके भी ऋषि मुनि जो है इस महाभियोग से दूर नहीं रह सकते, आपने कहा कि उन्होंने जन सेवा को देखते हुए त्याग कर दिया सत्ता का 2016 में। सत्ता का त्याग नहीं किया था उन्होंने, वाह सत्ता का त्याग नहीं किया था, सत्ता का बदलाव किया था। बदलाव किया था? ओहो जिन्होंने बदलाव किया था त्याग तो जिन्होंने बदलाव किया वो चले, अभी मैं बयान भी सुनाता हूँ। लेकिन लखपत जी आप देखिए पहली मत बुझाइए, सीमा मैडम को सीधा सीधा बताइए, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक डकैत बोल रहे हैं, कौन है वो जरा नाम लेकर बताइए इनको, आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं गलत बात है, क्यों आरोप लगा रहे हैं? पहली बात तिलक जी उन्होंने कहा कि जो पार्टी जीत रही है प्रगतिशील पार्टी उसमें लोग आना चाहते हैं, प्रगतिशील पार्टी यदि आपकी होती तो जनता के द्वारा चुनी जाती, मध्य प्रदेश में जनता आपको चुनती, आप बहुमत में आते, प्रगतिशील पार्टी आप होती 2012 में जनता आपको बहुमत देती और आप सत्ता में आते, लेकिन चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा है और मैं पुनः आरोप लगा रहा हूँ। लखपत जी हो गई ना वो बात खत्म, आप मुझे राजनीतिक डकैत वाली बात बताइए, क्यों क्यों आपने सीमा डोड़ा जी की पार्टी पर आरोप लगाया, राजनीतिक डकैत बोला, कौन है वो जो जिस पर आरोप लगा? मैंने आपसे कहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भाजपा में कुछ इस तरह के भाजपा ने फिट किए जैसे कैलाश विजय वर्गे जैसे व्यक्ति जिन्होंने उत्तराखंड के जनमानस और लोकतंत्र की हत्या की थी और मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर किया था और चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था, तो ये आप बताएं कि इन्हें जनता ने इतना प्रेम दिया होता तो चुनी हुई सरकारें मध्य प्रदेश में गिराते, कर्नाटक में गिराते, गोवा में गिराते। सीमा मैडम सुना किनका नाम लिया इन्होंने? सुन लीजिए मैं पुनः कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं के लिए किसी व्यक्ति को हायर करके लोकतंत्र का गला दबाओ, यदि आप साठ पार है तो इस तरह की बातें क्यों कही जा रही? इनके एक विधायक ने इनके प्रदेश कार्यालय से क्या कहा है? विधायक बद्रीनाथ के मेरी विधानसभा के विधायक है, जिस तरह की बातें उन्होंने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कही है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं नहीं, क्या हुआ बद्रीनाथ विधायक को क्या हुआ? आपने यदि आपने महेंद्र भट्ट का बयान सुना हो दो दिन पहले, तो महेंद्र भट्ट ने क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा हम खरीदने के लिए तैयार है, कांग्रेस के विधायक के संपर्क में है, मीडिया के पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने उन्होंने कहा, और कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए विधायक को रहना भी पड़ा खरीदना भी पड़ा, तो हमें कोई ऐसा। सीमा मैडम सुना मैडम, इन्होंने किनका महान अनुभव का नाम लिया? ये हमने नहीं कहा, इनके ओके 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 सीमा मैडम प्लीज जवाब दीजिए, सीमा मैडम जवाब दीजिए प्लीज। सर ये किसकी बात कर रहे थे मैडम? इतना तो पूरी रामायण पढ़ दी आप, कह रहे कि सीता कौन है? आवाज नहीं इनकी किसकी, ये क्या कह रहे केदारनाथ विधानसभा क्या ऐसे कुछ कह रहे? नहीं 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 वो कह रहे वो मध्य प्रदेश वाले हैं, वो उनका हिंट दे रहे हैं। अच्छा, बयान सुना दूं उनका? अच्छा अच्छा सुन लीजिए, इनके बद्रीनाथ के विधायक ने कहा, तिलक जी मेरी बात थोड़ी, इनके बद्रीनाथ के विधायक ने कहा दो दिन इनके प्रदेश कार्यालय में, उससे बात पूछिए इनको,
अच्छा अच्छा नहीं नहीं जिनका आप नाम ले रहे थे अभी राष्ट्रीय महामंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी के बारे में, हाँ राष्ट्रीय महामंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, वही जी के बारे में, जी 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 जिनके जिनके पीछे भी जी आता है, जिनके पीछे भी जी आता है। सर एक बात बताइए, अगर ये अपने जगह बिल्कुल सही है, कहते हैं ना इफ यू करेक्ट इन योर प्लेस नो वन कैन टच यू, तो अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि जनता ने आपको चुना है, आपको लगता है पूर्ण बहुमत से आ रहे, तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं तो ये बात तो आप पे भी लागू होती है मैडम, जब आपको पता था कि अब की बार 60 पार होने वाला है, जैसे कि आप लोगों के अकॉर्डिंग अब की बार 60 पार, याद है ना मैडम जिसे मैं पूरे देहरादून में घूमता रहा लेकिन दिखा नहीं हुई ना रहा मुझे, लेकिन फिर भी अब की बार 60 पार, तो फिर आप लोग क्यों इतने बेचैन हैं, जान सकता हूं मैं? हम कहां बेचैन, हम तो बेचैन है ही नहीं, इतनी बैठ के हो रही है मैडम क्या? सर एक बात बताइए, हमने सरकार बनानी है उससे पहले बैठ के तो होनी वाजिब है? नहीं तो फिर इसमें कोई इफ्फट वाली बात नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा तय है ना मैडम, और लगभग जो चेहरे जीत कर आएंगे उनमें से कैबिनेट बनानी है आपको, विधायकों को मालूम है किसको चुनना है हमें, तो फिर ये बैठकों का मतलब मैं समझा नहीं। नहीं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती है मिलने की और अपने अपने टाइम पास हो रहा है से बात करने की, और टाइम पास नहीं होता लेकिन हाँ। एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है नए सरकार बनाने के लिए। नहीं वो स्ट्रेटजी तो दिल्ली में तैयार हो चुकी है ना, निशंक जी भी मिल के आए, नहीं कि नहीं मिल के आए, बाकी कौशिक जी भी गए, जो जो धामी जी भी गए, सब गए ना दिल्ली में, तय तो दिल्ली से ही होता है, जी। है कि नहीं जी, तो फिर यहाँ बैठक का मतलब क्या? तो नहीं दिल्ली के ही लोग तो यहाँ पर भी आएंगे, दिल्ली में तो कुछ लोगों से मिला जाता है ना, हाँ तो दिल्ली तो बहुत सारे लोगों से मिला जाता तो है, दिल्ली के लोग यहाँ क्यों आएंगे वही तो पूछ रहे हैं, मैं यही बात तो जानना चाह रहा था आपसे, ये दिल्ली के लोग वहाँ क्यों आ रहे हैं जिसकी वजह से लखपत जी बहुत परेशान है, कई रातों से सोए नहीं है वो। अरे तो लखपत जी से मिलने थोड़ी ना आए हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने आए, मिल रहे हैं, किससे मिलने आए हैं? हाँ सीमा मैडम किससे मिलने आए हैं? लखपत जी से तो लखपत जी बेचारे इतने मेहनती हैं, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए, मेरे को बड़ा अफसोस है इस बात का, इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, साल में दो या तीन बार आ जाते हैं, आप देख लीजिए कि हिस्ट्री उठा के, जरूरी नहीं है कि वो चुनाव के बाद ही आए स्पेशल की, वो आते रहते हैं और उनका आना बनता है। अच्छा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री लखपत जी, लखपत जी 2018 के बाद कैलाश विजय करके उत्तराखंड कब आए बता दीजिएगा, ये देखा उस घटना के बाद कब आए, पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है कि 2018 के बाद आए नहीं, वो 2018 के बाद वो आए नहीं कह रहे, 2016 के बाद से नहीं आए, 18 मार्च 2016 के बाद वो कब देहरादून आए उत्तराखंड आए, पूरे 6 साल बाद आए हैं। अरे तो सर वो बिजी रहे, महाराष्ट्र में चुनाव में बिजी रहे, बंगाल में चुनाव में बिजी रहे, वो इस बार यहाँ पे चुनाव में बल्कि नहीं आ पाए, सभी जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, कहीं पर भी हो गया जाते, राष्ट्रीय महामंत्री है ना, छोटे मोटे इंसान तो है नहीं, और हमने कब कहा कि हमारे एक इंजन, हमारा तो डबल इंजन है ना, तो हमारा तो राष्ट्र से भी काम कर चलता है, अपमान करने आए हैं ये तो मैं कह ही रहा हूँ, मोदी जी नहीं, हम कोई चोरी छुपे काम नहीं करते, हम सरेआम बोलते हैं कि हमारे दो इंजन हैं, हम दिल्ली से भी काम करते हैं, हम उत्तराखंड से भी काम करते हैं, हम डबल इंजन सरकार हैं, तो इसलिए क्वेश्चन तो उठता ही नहीं है, प्रश्न मत उठाइए दिल्ली और यहाँ का, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, आएंगे लोग, काम होगा, वार्तालाप होगी और स्ट्रेटजी बनती रहेगी। अच्छा ये जो बैठक हुई, विकास की राजनीति, एक मिनट सीमा मैडम एक फिर आ रहा हूँ संगीता जी आपके पास, ये लखपत जी जो बैठक हुई है आज, तमाम दिग्गज इकट्ठे हुए, तमाम दिग्गज माथापच्ची कर रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ प्लीज नाराज मत होइएगा क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है, सुभाष भी डिस्कनेक्ट हो गए, अगर होते तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे, ये इस बैठक में हरक सिंह रावत मौजूद थे कि नहीं? देखिए मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई उस रणनीति को लेकर के तीन चीजों पे हमने काम किया वहां पे, सर, बात ये सर ये कागज पे है ना, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका कोई आधार होगा, हरक सिंह रावत थे उस बैठक में कि नहीं? सुन लीजिए मैं आपसे पुनः कह देता हूँ, माननीय हरक सिंह रावत जी उस बैठक में थे या फिर नहीं? देखिए तिलक जी मेरे संज्ञान में नहीं है, नहीं मेरे संज्ञान में भी नहीं है, तभी मैं पूछ रहा था, आप एक्सपर्ट लोगों को बिठाया करिए ना,
लेकिन लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस को इस तौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस जनमानस के और जनादेश का सम्मान करेगी। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, लेकिन भाजपा वाले जनादेश का भी अपमान कर देते हैं और उसको खरीदने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको लूटने का काम करते हैं और वो दिखा नहीं, वो लगातार 7 राज्यों में किया इन्होंने। 2016 की घटना, 2016 की घटना, मैं आपको बता रहा हूँ लखपत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं गलत बोलूंगा तो उसको दुरुस्त करिएगा। 2016 की घटना, जब ये पूरा बवाल होने वाला था, जब ये पूरा बवाल होने वाला था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, जिस प्रकरण का हवाला दे रहे हैं आप, उससे ठीक एक दिन पहले आप जैसे एक मित्र हैं मेरे, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने मुझे कहा फोन करके कि तिलक भाई कल एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, बहुत बड़ा बवाल। मैंने पता किया, मैंने कोशिश की कि क्या होने वाला है, तब मेरे पास एक फुटेज आया, वो तस्वीरें थी गोविंद सिंह कुंजवाल से मुलाकात करते हुए विजय बहुगुणा विधानसभा के बाहर से निकल रहे थे मुस्कुराते हुए, दोनों मुस्कुरा रहे थे। विजय बहुगुणा ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा और सरकार पूरे 5 साल चलेगी, यही कहा था जहां तक मुझे याद है। फिर मैंने पलटकर फोन किया आप ही के कांग्रेस के उस नेता को, मैंने कहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इंतजार करिए, इंतजार करिए, अब वो बीजेपी में चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूं लखपत जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं होता। मैं जी तिलक जी, जिस नेता की आपने बात ली उनकी बहन उत्तर प्रदेश में भी रही है कांग्रेस के साथ, लेकिन आज उनका बेटा कहाँ है वो सबने देखा है। मैं एक बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस में कुछ गलतियां 2012 में हुए, हम स्वीकार करते हैं, गलत व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाई कांग्रेस की, मैं बोला जिसने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया उस व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बनाया और उनने कांग्रेस की पीठ में चूल्हा झोंका और दो दो पीढ़ियों ने आप सुनेंगे मेरे मुंह से, कांग्रेस को गलती नहीं। आप ये बात करी तो अभी कहता हूँ इसी मन से कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिएगा लखपत जी, फिर कह रहा हूँ रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अभी कुछ महीने पहले की बात है, आप ही के सामने शायद सीमा जी भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थी और संगीता जी भी, नारायण पाल आप ही की पार्टी के नेता थे जिनको टिकट का आश्वासन दिया गया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे, उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि नारायण पाल जी, अब सुन लीजिए ना सर, आपने अपनी बात रखी तो सवाल सुन ली, उन्होंने खुलकर कहा कि मेरा टिकट तिलक चावला इसलिए काटा तिलक भाई क्योंकि विजय बहुगुणा चाहते थे कि यहां पर कोई कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया जाए और इसलिए प्रीतम सिंह के कहने पर मेरा टिकट काट दिया। विजय बहुगुणा और प्रीतम सिंह दोनों आपस में फोन पे बात करते हैं, मैंने ये रिकॉर्ड हरीश रावत को दिया, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात बोली, बोली कि नहीं बोली सर? जी तिलक जी, मैं आपसे कह सकता हूँ, देखो जी नारायण पाल की आपने बात की है, वो बसपा में थे, कांग्रेस में आए, हमने बहुत सम्मान दिया, पार्टी में बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन वो चले गए, पार्टी में कई बार जो पुराने लोग जुड़े हुए वो उससे पहले बसपा में थे, वो कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस ज्वाइन किया आपका भी, लेकिन टिकट के लिए कई बार ऐसा होता है कि और भी हमारे वहाँ पे मजबूत कैंडिडेट है तो उनको दिया गया, मैं इससे बहुत ज्यादा बातें, उनको लेकर कौन आया था, हमारे पुराने कार्यकर्ता उनको लेकर कौन आया था, किरण मंडल का भी कभी हाल जान लीजिए सितारगंज जाके, सुन लीजिए मैं सर, फिर वही कहानी दूर तरफ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ सर, अपने जितने विधायक हैं उनके आगे लिखवा लीजिए तख्ती से, इतना ही लिखवा लीजिए कि हम बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं खरीद सकते आप, विधायक की बात छोड़ दीजिए, मैंने आपसे कहा है कि जो घटनाएं क्यों 2016 में फ्री में गए थे क्या? नहीं नहीं, अब सुन लीजिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, जो कांग्रेस में जो कबाड़ था वो भाजपा में चले गया, जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे ये रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता हूँ, मैं भी जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, हमें भी बहुत अच्छे मौके देने की बात कही, लेकिन हम कांग्रेस में ठीक है कार्यकर्ता के रूप में मैं समझता हूँ, देश के विकास, देश के संविधान के लिए कांग्रेस रहनी चाहिए, कांग्रेस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लखपत बिटोला का विधायक बनना न बनना बहुत महत्वपूर्ण ही है, लेकिन देश के संवैधानिक संस्था है जिसको बनाने के लिए हमारे बड़े बड़े लोगों ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, परिवारों का
परिवारों को अपने इस महायज्ञ में इस ओके लखपत जी आपके ऑडियो में समस्या आ रही है, लेकिन लेकिन संगीता जी सुना आपने, सुना क्या कह रहे हैं संगीता जी? संगीता जी डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन एक बात सीमा मैडम जी, आपके नेताओं का ये खुलेआम नाम ले रहे हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं बयान सुना दूं उनका एक बार, जिनका ये नाम ले रहे हैं, सुना दूं इनको एक बार, सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिनका जिक्र किया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जो एक्टिव हुए उत्तराखंड में और कांग्रेस के नेता बेचैन होते, क्या कुछ कह रहे हो सुनिए जरा। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है, बेशक सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं, और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं, और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियाँ समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है, ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप कर। संगीता मैम, देखा आपने बीजेपी के नेता कितनी शिद्दत से सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना? अब लखपत जी कह रहे हैं कोई यहां से आया कोई वहां से आया, अब इनके भी तो आ रहे हैं ना बहुत दूर दूर से, ये भी बैठ के कर रहे हैं। आप लोग इतनी मतलब इतने उदास परेशान क्यों हैं? क्या पता गलती से एक आध सीट आ जाएगी तो कम से कम वो तो बच जाए ना, इसके लिए तो कुछ कर रहे होंगे कि नहीं? संगीता मैडम, संगीता मैडम डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन सीमा मैडम मतलब आप पूरी श्योरिटी दे रही हैं कि 2016 की घटना एक बार फिर से नहीं घटेगी, मतलब कहने का मतलब ये कि वो घटना तो घट नहीं सकती, वो प्रकरण का जिक्र कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये कोई चार्टर्ड प्लेन आएगा, विधानसभा के बाहर बस खड़ी रहेगी, दिल्ली में होटल के कमरे बुक हो जाएंगे और फिर विधायकों को नज़रबंद कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना? नज़रबंद सर पिछली बार भी नहीं हुआ था, जो आए थे अपनी मर्जी से आए थे, बल्कि अभी एक बहुत वहां के सीनियर नेता हैं जो वहां से आए थे हमारे पास, जो तो उन्होंने भी ये बात की कि हमने तो 6-7 नहीं लौटे। अच्छा वो नहीं लौटे, तो उन्होंने कहा हमने तो 6-7 महीने पहले ही तय कर लिया था कि हमें कांग्रेस छोड़नी है, क्योंकि हम उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, जब कांग्रेस हमारी विचारधाराओं पे काम करती थी जिससे हम जुड़े थे, जब नहीं काम कर रही है उस हिसाब से, तो हमने उनको छोड़ने का निश्चय कर लिया था। तो ठीक है ना, उसी लिए वो सबके सब जुड़े थे, और जिन्होंने अब बीजेपी की विचारधारा से काम करने से मना कर दिया वो चले गए। अच्छा अच्छा, और अभी भी यही होगा, अगर किसी को हमारी विचारधारा, हमारे काम करने के तरीके, अच्छा वही विचारधारा के काम कर, वही विचारधारा के लोग अगर आपको फिर से पसंद आ गए तो? पसंद आ गए कि एक अलग बात होती है। अच्छा अलग बात होती है, बात ये होती है कि हमारे साथ क्या काम कर सकेंगे? नहीं, आपके साथ क्यों नहीं काम कर सकेंगे? जब आपकी आधी से ज्यादा कैबिनेट पूरी की पूरी कांग्रेस ही थी, तो आपके साथ क्यों नहीं काम कर पाएंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक ही नहीं? नहीं, कंडीशंस भी तो होती है ना। अच्छा, कंडीशन अप्लाई, कंडीशंस भी होती है कि किस तरीके से हम जैसे काम करते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मजदूरों की तरह काम करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं पता होता उनको। नहीं, आप मजदूरों की तरह क्यों काम करेंगे? एक कार्यकर्ता भी, एक नेता भी, क्योंकि हमारे हम तो अमृत काल में जी रहे हैं ना, उनको ने सिखाया यही है, हम अमृत काल में जी रहे हैं, आप कह रहे हैं मजदूरों की तरह सिखाया यही है अमृत काल में। प्रधानमंत्री जी को देखा है, मुश्किल से 6 घंटे भी नहीं सोते वो। नहीं मैडम, मैंने कभी देखा नहीं। तो इतने सारे हम, मैं नहीं जानता उन, आपने आप नहीं, आप जानते तो सब होंगे सर, मीडिया में रहते हैं तो उनको, आपको पता होगा उनका शेड्यूल क्या होता है। नहीं मैडम, मुझे क्या पता कि तो उनको, इस तरीके से अपने, मैं नहीं जानता, मैंने कभी देखा नहीं वो आम कैसे खाते हैं, मैंने कभी देखा नहीं।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को इतना टारगेट सेट कर दिया जाता है, इतना काम दे दिया जाता है कि फुर्सत नहीं होती किसी के पास। तो इस तरीके के क्या कार्यशैली में वो काम कर पाएंगे? अगर करेंगे जनता की भलाई के लिए काम करेंगे जरूर आ जाएंगे। लखपत जी देखिए, जितना मैं निकलवा सकता था मैडम से उतना उन्होंने बता दिया सच सच। उन्होंने कहा कि अगर किसी की श्रद्धा होगी तो आना चाहे आ जाए, हम किसी को रोकेंगे नहीं। अब आप आपके ऊपर है ना कि आप कितना उनको कंट्रोल कर लेंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हम हमारे लोग कंट्रोल में, लेकिन महेंद्र भट्ट का मैंने बयान कहा था 3 दिन पहले, महेंद्र भट्ट जी के बयान को इनके प्रदेश कार्यालय में दिया गया बयान है उसको सुना देते तो आपको भी पता चलता है कि देश के संविधान में जो विधानसभा में जो विधायक हो इस तरह की मीडिया के सामने खुली तौर पे किस तरह की बातें कह रही है वो आप भी देख लेते, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा काम करते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे 17,000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। 12 करोड़ के अच्छा 2016 में सारे बिकाऊ थे ना, छोड़िए लखपत जी, आपके मुताबिक जो गए थे वो सारे बिकाऊ थे ना 2016 में, सारे बिकाऊ थे ना। सुन लीजिए मैंने आपसे कहा है गलतियां व्यक्ति से होती, लेकिन जो सूत्रधार है गलतियां होती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जिनको डिफेंड करना चाहते हैं लैंस डाउन में जाकर डिफेंड करिएगा, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि ये तो एक टूल की तरह यूज हुई, इसके जो उत्तराखंड के लोकतंत्र के तीरहाना के मेन पिलर थे वो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी थे, उन लोगों ने मिलकर के अमित विजय भरगे को, मैं समझ गया कितना डिफेंड करेंगे। अब ले तो लिया उनको 8x8 के कमरे में और कितना इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवा लिया ना उनको दोबारा, आप क्यों इतना डिफेंड कर रहे हैं लखपत जी? बात खत्म करिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, रेट लिस्ट क्या थी? वो पुनः कह रहे हैं, वो पुनः इस प्रदेश में आए हैं और पुनः कह रहे हैं, इससे लगता है कि उन्हें उत्तराखंड की जनता का जनादेश मंजूर नहीं है। वो ये उत्तराखंड में सरकार बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जनादेश का अपमान करना चाहते हैं और ये मोदी जी और अमित शाह जी के डायरेक्शन पे हो रहा है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन 10 मार्च के लिए रणनीति तैयार है। किसका होगा अब उत्तराखंड में राज तिलक, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही दल अपने घरों की दीवारों को मजबूत करने में जुटे हैं। प्लान ए बी और सी तैयार किया जा रहा है, लेकिन 10 मार्च को ही साफ होगा कि किसके प्लान में कितना दम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।